हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। आज हम एक स्विंग के लिए एक स्टॉक देने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या ये वीडियो आप अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए कुछ इंट्राडे लेवल्स हम प्रोवाइड करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, उसका एनालिसिस वीडियो डेली हम अपलोड करते हैं, और कुछ इंट्राडे के लिए स्टॉक्स और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक्स हम देते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक देते हैं, कुछ मल्टीबैगर स्टॉक जो है उनका एनालिसिस वीडियो हम डालते हैं। अभी हमने 2-3 दिन पहले ही ये ट्राइडेंट का एक एनालिसिस वीडियो डाला है, हैप्पीएस्ट माइंड का ज़्यादा डाला हुआ है, जो कि आप इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होने वाले हैं अगर आप बाय करना चाहते हो या आप उसमें बने हुए हो तो इसके हम लेवल प्रोवाइड करते हैं। IEX का भी मैंने एनालिसिस किया था, मरीन इलेक्ट्रिकल जो है इसका भी मैंने एनालिसिस वीडियो देखा है, डाला हुआ है। अगर आप वो एनालिसिस वीडियो चेकआउट करना चाहते हो तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वो वीडियो जो है देख सकते हो जाके। तो आज जो है एक बहुत ही बढ़िया और शानदार स्टॉक मैं लेके आया हूँ, जिसका मैं इम्पोर्टेंट लेवल जो है बाइंग लेवल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इसका जो टारगेट होने वाला है वो बहुत ही शानदार टारगेट होने वाला है। इस साल जो है वो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। ऐसा स्टॉक मैंने जो ढूंढा है, जो कम से कम 3 से 4 साल का जो कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट जिसने दिया है वो स्टॉक जो है, चलिए आप बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बोल दूं कि ये मेरा गोल्डन बुल्स नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है। अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हो इस टेलीग्राम चैनल से तो ये वाला राइट हैंड कॉर्नर में जो आपको QR कोड दिख रहा है उसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, क्योंकि जो लिंक होती है जो डिस्क्रिप्शन में डालते हैं वो अभी तक क्लिकेबल नहीं है। तो इसका ये एक वे मैंने फाइंड आउट किया है कि आप ये वाला जो है QR कोड स्कैन करके मेरे चैनल से, इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहाँ पे हम देखिए श्योर शॉट कॉल्स डालते, प्रोवाइड करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के, कुछ इंट्राडे के लिए, भी हम लेवल्स प्रोवाइड करते हैं किसी स्टॉक्स के। तो आज अगर देखेंगे तो हमने निफ्टी के कॉल्स दिए थे जो कि श्योर शॉट हिट हो गए थे। 21,650 का सी मैंने दिया था, 145 रुपए पे बाइंग दिया था, जिसने हाई लगभग 167 का लगाया है। उसके बाद 21,700 का सी दिया था, 135 से 138 रुपए जिसका बाइंग था, जिसने 150 का हाई लगभग लगा चुका है। और ये आरती इंडस्ट्रीज़ का जो है मैंने इंट्राडे के लिए शेयर जो है इंट्राडे के लेवल्स मैंने बताए थे 46-43 से आप सेल कर सकते हो, जिसने लगभग जो लो है 622 का लगाया है। ये वाला जो मैंने लेवल दिया था 63 से आप इसे शॉर्ट कर सकते हो, तो इसने लगभग 622 का लो लगाया हुआ है। तो अगर इस ऐसे ही लेवल्स का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जो कि तरीका मैंने बताया है। ये वाला जो QR कोड आपको दिख रहा है इसे आप मोबाइल से स्कैन करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टॉक की बात कर लेते हैं जो कि मैंने निकाला हुआ है। तो पहले जो है हम इसका मंथली का जो कैंडल है, मंथली चार्ट देख लेते हैं पहले एक बार। तो ये जो स्टॉक होने वाला है, जो इम्पोर्टेंट इसका बाइंग लेवल होने वाला है, मैं आपको बता दूँ, ये है वेरॉक इंजीनियरिंग्स, जो एक ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है, जो कि कम से कम लगभग अगर देखेंगे 2019 से ये कंसोलिडेशन फेज़ में था। ये वाला जो है 2023 तक जो है अभी तक कंसोलिडेशन कर रहा था, लेकिन अभी जो हमें रिसेंटली जो कैंडल्स जो है, ये वाले जो कैंडल्स हमें क्लोजिंग मिली है जो 2024 की अभी स्टार्ट हुई है, लेकिन ये जो आखिरी वाली जो मंथली कैंडल है 2023 की, तो इसने क्लोजिंग जो है हमें 544 का जो है क्लोजिंग दिया है, तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। उससे पहले वाली अगर नवंबर की कैंडल देखेंगे
तो ये भी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अभी आपको इसमें जो है पैटर्न नज़र नहीं आ रहा होगा कोई, तो मैं आपको एक बार पैटर्न दिखा देता हूँ क्या पैटर्न बन रहा है। और अगर वॉल्यूम भी अगर चेक करोगे आप, तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा तगड़ा वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है इस वेरॉक इंजीनियरिंग जो स्टॉक है इसमें। तो अभी नेकेड आइज से आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, तो मैं एक बार लेवल्स ऑन कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे देखेगा कि एक बहुत ही क्लासिकल पैटर्न है, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न है, जो कि ये स्क्वीज पैटर्न भी बोलते हैं, पीटन पैटर्न पैटर्न भी बोलते हैं जिसे। तो अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से एक इस पैटर्न में घूम रहा था, और इस पैटर्न का भी देखेंगे तो ये ब्रेकआउट हो चुका है, रिटेस्ट भी हो चुका है। और अभी ये मार्केट, ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था जो कि लेवल आता है, एक मिनट में इसे मार्क कर देता हूँ, सॉरी थोड़ा सा गला ख़राब है मेरा। तो ये जो रेजिस्टेंस था ये वाला 528 का, तो इसके भी ऊपर मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है मंथली में। तो ये वाला जो है मार्केट ने बॉटम बनाया हुआ है, ये वाला जो है एक काफ़ी अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा बॉटम है, जो कि लेवल है 263 का। लेकिन अभी जो है मार्केट ने इस सपोर्ट से ऊपर क्लोजिंग हमें अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, और ये पैटर्न भी फॉर्म हो चुका है। और इसका मैंने दो तीन कंफर्मेशन लिया हुआ है, जो कि 50% के आसपास जो है इसका फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, वो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तो ये वीकली में एक बार देख लेते हैं हम क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है और किस तरह से हम इसे ट्रेड कर सकते हो। तो वीकली में भी अगर देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है धीरे धीरे जो है इस लेवल पे। ये जो रेजिस्टेंस लाइन था रिसेंट का, उसका इसका जो ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो है एकदम बढ़िया सी हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो इसे जो है आप इस पॉइंट पे जो है बाय कर सकते हो, जो कि है 528 से लेके 530 का जो रेंज है, या 520 का रेंज, 520 से लेके 530 का जो रेंज है, आप उसे बाय कर सकते हो। और इसे बाय करने का एक और तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि अभी करंट मार्केट प्राइस जो है इसका 560 है। तो आप हो सकता है कि यहाँ से ही मार्केट अभी एक बुल रन शुरू कर दे और फिर बाद में नीचे आए, तो आप इस वाले पॉइंट पे जो है अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो जितना आपका क्वांटिटी है वो आधा क्वांटिटी आप इसे यहाँ पे ना बाय कर सकते हो, आधा क्वांटिटी करंट मार्केट प्राइस से CMP आप बाय कर सकते हो। और उसके बाद में जब ऊपर जाके मार्केट नीचे आएगा रिटेस्ट करने वापस इस लेवल को, जो कि है 580 का जो लेवल है, यहाँ पे जब रिटेस्ट करने आएगा तो फिर आप 50% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, या तो यहाँ पे 560 पे बाय करके जितना ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके फिर रिटेस्ट करने आएगा, तो आप इसे बाय कर सकते हो 528 से लेके 520 या 530 के लेवल पे एक बार फिर से बाय कर सकते हो। और अगर आप इसे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करना चाहते हो, तो मैं प्रेफर करूँगा इसको कम से कम आप जो है एक साल के लिए अगर होल्ड करते हो, तो आपको काफ़ी अच्छा और तगड़ा रिटर्न्स मिलने वाला है इस स्टॉक में, क्योंकि ये बहुत ही शानदार तरीके से जो है पैटर्न फॉर्म हुआ है, और ये जो आने वाले टाइम में है हमें काफ़ी अच्छे तगड़े रिटर्न्स दे सकता है। तो मैं इसके एक बार जो है लेवल्स मार्क कर देता हूँ, जो कि हमारे टारगेट्स होने वाले, फर्स्ट टारगेट हमारा जो है होने वाला है 547 का। मैं इसे एक बार मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे प्राइस लेवल लगा देता हूँ मैं, ये 547 का, और ये वाला जो है 800 860, ये वाला हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है। और जो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा ये लगभग ये वाला जो है, ये वाला हाई जो है, ये वाला हमारा रहेगा 1071 का, जो है हमारा टारगेट होने वाला है एक आने वाले सालों में। और अगर ये ब्रेकआउट करके अपना जो प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है, जो कि है 1178 का, ये अगर ब्रेकआउट करता है तो ये आप लॉन्ग टर्म के लिए बिंदास होल्ड कर सकते हो।
तो ये वाला जो है स्टॉक मुझे बहुत ही पसंद आया है, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन जो बना रहा है तो कहीं ना कहीं ये मुझे बुलिश लग रहा है। तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में सजा सकते हो। और इसका जो मिनिमम स्विंग, अभी कहने के लिए तो स्विंग ट्रेड है, तो आप कितने प्रॉफिट कमाना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हो। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसे कम से कम 1 साल के लिए अगर होल्ड करते हो अपने पोर्टफोलियो में, तो काफ़ी अच्छा और तगड़ा रिटर्न आपको देखने मिलेगा। क्योंकि मैंने इसका थोड़ा सा फंडामेंटल्स भी चेक किया है कि क्या पोजीशन बन रही है। अभी अगर देखेंगे तो 75% इसके अंदर जो है स्टेक प्रमोटर के पास है, और FIIs और DIIs जो है इसके अंदर पोजीशन बना के चले हैं। इनका प्रॉफिट ऑफ जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है वो धीरे धीरे पिछले क्वार्टर से बढ़ रहा है प्रॉफिट्स। और ये काफ़ी अच्छा कंपनी जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है अभी फ़िलहाल। तो थोड़ा सा जो इसके फंडामेंटल्स है थोड़े से नेगेटिव थे पिछले कुछ सालों से, 3-4 सालों से, लेकिन अभी जो पॉजिटिविटी उसमें दिख रही है फंडामेंटल्स में, तो वो पॉजिटिविटी हमें यहाँ पे चार्ट पे भी दिखने लगी है। तो आने वाले जो अभी इसके क्वार्टर रिजल्ट है उसके बाद में तो ये भागने ही वाला है। तब आपको पूरे चैनल पे यूट्यूब पे आपको दिखेगा वैराग इंजीनियरिंग जो है ब्रेकआउट दिया है, इतना कंसोलिडेशन जो है इसका ब्रेकआउट दिया है, अभी ये भागने वाला है, इतना जाएगा उतना जाएगा, वो सब आपको बाद में न्यूज़ चैनल्स में देखने को मिलेगा। या कुछ यूट्यूबर्स जो है इसके बारे में वीडियोस बनाएंगे, तो उनसे पहले जो ब्रेकआउट होने से पहले जो है हम ये वाला वीडियो जो है बना रहे हैं। तो मैं इसका एक बार यहाँ पे तारीख जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि आने वाले दिनों में हम ये कह सके मैं कह सकूँ कि मैंने ये वाला जो स्टॉक है ये पहले ही मैंने बाइंग के लिए दिया था। और इसका मैं यहाँ पे तारीख मेंशन कर देता हूँ, जो कि है आज का तारीख है 8 और 2024, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8/1/2024 को मैंने ये वीडियो बनाया था। और जब ये ब्रेकआउट देखे ऊपर जाएगा तो मैं एक बार फिर से इसका रिव्यू करूँगा। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हो, ये बेस्ट बाय रहेगा 2024 के लिए। और ये आने वाले टाइम में एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है, और ये काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आपको दे सकता है, जो कि अभी 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। और ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, और ये ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है, जो कि आने वाले कुछ 5 सालों में जो है ये फ्यूचर होने वाला है। ऑटो सेक्टर जो है अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये वाला स्टॉक बहुत ही बेहतरीन हमें रिटर्न्स दे सकता है। और एक बात मैं और बोल दूँ, ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस मेरा एक एनालिसिस है। अब अगर आप कोई भी स्टॉक या कुछ भी बाय सेल करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है उससे एडवाइस लेके ही निवेश करें। तो ये था वैराग इंजीनियरिंग का बाइंग लेवल्स, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, और मैं ऐसे बहुत ही बेहतरीन जो स्टॉक्स हैं जो इस 2024 में बहुत ही तगड़े रिटर्न देने वाले हैं, तो ऐसे वीडियोस में कोशिश करने वाला हूँ कि हर 1-2 दिन के बाद में एक ऐसे स्टॉक डालूँ जो कि आपको बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सके, ऐसे वीडियोस में बनाने वाला हूँ। तो वीडियो के जो है जानकारी आपको पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।